हेलो, माय यूट्यूब चैनल अतरंगी रेसिपी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलती हूँ, ना देरी करती हूँ, ये गुड़गट्टे की रेसिपी बनाने के लिए। तो ये मैंने गुड़गट्टे बनाया है बचपन की यादों के लिए। तो बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे भी यही कहेंगे, मम्मी ये क्या है। तो बहुत परफेक्टली रेसिपी है, तो चल के देख लेती हूँ। तो ये मैंने गुड़ ले लिया है, करीब ये 200 ग्राम गुड़ है। तो इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं कि बहुत आसानी से, ये देखिए टूट रहे हैं। तो चाहे तो चाकू की मदद से भी टुकड़े कर सकते हैं, चाहे तो ये अपने हाथ से भी तोड़ सकते हैं। अच्छा, छोटे टुकड़े आसानी से ये गल जाएंगे और गुड़ हमारी जल्दी मेल्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें बस इतने ही छोटे करने हैं। और अब चलती हूँ गैस की तरफ, कढ़ाई एक छोटी और सारी गुड़ इसमें रख देनी है। और इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, जैसे कि 3 चम्मच लगभग पानी होगा इसके अंदर। और इसे हमें बराबर कंटिन्यू चलाते रहना है। इस तरीके से चलाने से क्या होगा, बहुत ही जल्दी ये मेल्ट हो जाएगी गुड़ हमारी। और गैस को हाई करना है, इस वक्त हाई का ही प्रोसेस करना है इसके अंदर। जब लो करना होगा तो आगे करना है, अभी नहीं करना, अभी हाई पे ही ये गुड़ को मेल्ट करना है मुझको। इस तरीके से आसानी से हो जाएगी मेल्ट। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये मेल्ट होने लगी, यानी झाग बनने लगे हैं। तो ये इजीली ये गुड़ मेल्ट होने लगेगी। तो बस इसको थोड़ा ऐसे और चला लेना है, तो ये इजीली मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए कितनी आसानी से मेल्ट हो रही है। ये हमने बर्तन ले लिया है और इसको थोड़ा सा ग्रीस करना है। ग्रीस अच्छी तरीके से, यानी तेल लगाना है। तेल हमें सरसों का नहीं लगाना है, यानी घी, बटर या फिर रिफाइंड ऑयल, ऐसी चीजें लगानी है। तेल सरसों के तेल में स्मेल आती है ऐसी कि वो बिल्कुल, इसका टेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसलिए हमें सरसों का तेल नहीं लगाना, बाकी घी बटर आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अच्छी तरीके से ग्रीस करना है, यानी अच्छी तरीके से पूरे बर्तन में तेल लगाना है। और इसको साइड में रख देती हूँ। तो ये चाशनी हमारी परफेक्टली यानी टाइट हो चुकी है। मैं इसको अब चेक करने के लिए एक बर्तन में डाल रही हूँ, पानी के बर्तन में थोड़ा डाल के देखूंगी। ये ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है इसको। तो ये इजली ये देखिए कितनी जम गई है, हमें ऐसी ही चाहिए थी। बस थोड़ी नरम ही रखना है, टाइट वाली नहीं। तो चाशनी गुड़ की हमारी परफेक्टली हो गई है टाइट। बस इतना ही पकाना है। और अब डालना है इसमें भुना चने का ये आटा। तो भुने चने का आटा आपको इजीली दुकान मार्केटों पर मिल जाएगा, और नहीं तो घर में भी आप बना सकते हैं। तो इसे मिलाने से क्या, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और खाने का टेस्ट इसका गुड़गट्टे का दोगुना बढ़ जाएगा। तो बस गैस को अब बंद कर रही हूँ, बिल्कुल गैस को हमें नहीं रखना है चालू। गैस को मिलाने से पहले हमने गैस को बंद कर दिया और अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गया है। और अब डालूंगी ये आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, और ये अब ये डाला जाएगा बेकिंग सोडा खाने वाला, यानी मीठा सोडा। ये चौथाई का टीस्पून है, चौथाई टीस्पून। इसको आपस में हमें मिक्स, तो जैसे जैसे मिक्स करूंगी वैसे वैसे इसका कलर चेंज होता रहेगा। और देखना कितना कलर ये चेंज हो गया है। और हमें अच्छी तरीके से इसको मिला लेना है। तो ये देखिए झाग भी बनने लगे और ये जालीदार बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो थोड़ा इसको मैं और चला रही हूँ, क्योंकि नॉन स्टिक ये कढ़ाई हमारी है, भारी तले की, भारी तले में ही बनाई है गुड़गट्टा। जब भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बिल्कुल परफेक्टली ये बनके तैयार होगा। तो बस इसको मैं अब इसको पलट लेती हूँ, ट्रांसफर यानी कर लेती हूँ दूसरे बर्तन में, जो मैंने तेल लगाया था उसमें ट्रांसफर कर लूंगी। ये सारा हटा लिया अच्छी तरीके से,
सारा ये जमने के लिए परफेक्टली तैयार हो रहा है। तो ये सारा तेल लगे हुए बर्तन में हमें पलट देना है। बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा लगेगा और बचपन की यादें फिर से वापस आ जाएंगी इसे खा करके, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो बहुत खाया करते थे इसे, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों में भी शेयर करते हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग भी बनाएं और परफेक्टली लगेगा। बस ऐसे टेप करके इसे रख देना है करीब एक घंटे के लिए, इसे सेट हो जाएगा। फिर आपको दिखाती हूँ किस तरीके से तैयार हुआ ये। तो ये हमारी सेट हो गई, एक घंटा हो गया लगभग। तो इसको आप पलट के दिखा रही हूँ, तो थोड़ा थपथपाना है पहले, फिर ये निकलेगी। ये देखिए परफेक्टली हमारा गुड़गुड़ा निकल आया है, बिल्कुल ही चिपका नहीं, थोड़ा बहुत ये तो गुड़ है, चिपकेगा जरूर। पर ये देखिए कितना परफेक्टली खस्ता कितना बना है कि आपको तोड़ के दिखा रही। ये देखिए आवाज कितनी आई, बहुत ही अच्छा बना है। इस तरीके से आप ये देखिए, तो चाहे तो इसमें सफेद तिल डाल सकते हैं, थोड़ी बहुत डेकोरेट कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही खाएं। बचपन की यादें याद ताजी करें खा करके, बहुत ही अच्छा लगेगा। टेस्ट इसका इतना अच्छा है कि तो पूछे ही ना, इतना परफेक्टली बन के ये तैयार हुआ है। वीडियो अच्छी लगे जरा से भी लाइक शेयर जरूर करें।